नमस्ते, सो वेलकम टू अवर न्यू वीडियो मॉडर्न मीम जनरेटर। सो इसमें हमें एक मीम जनरेटर बनाएंगे HTML, CSS और JavaScript यूज़ करके। सो पहले हम देख लेते हैं हम क्या बनाएंगे। सो हमारे पास ये पेज होगा जिसमें एक बटन होगा जनरेट मीम, और उसके नीचे मीम होगी और उसके नीचे मीम के ऑथर का नाम होगा। और जैसे मैं जनरेट मीम बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरी मीम चेंज हो जाएगी। सो ये जनरेट मीम ट्रिगर करता है जावास्क्रिप्ट को कि हमें न्यू मीम शो करे। सो हमें ये एक API की मदद से कर रहे हैं। सो हम वो देखेंगे वीडियो में, आगे चलते हैं। सो मेरे पास एक फोल्डर है मीम जनरेटर। सो उसके अंदर मैं पहले index.html बना लेता हूँ और एक style.css एंड एक script.js। सो ये बन चुका है। सो इंडेक्स में index.html चलते हैं और यहाँ पे हमें boilerplate कोड लगाते हैं। तो हमारे पास ये boilerplate कोड लग चुका है और हम टाइटल में डालते हैं मीम जनरेटर। मीम जनरेटर और अब हम अपनी स्क्रिप्ट को भी लिंक कर देते हैं। सो लिंक और href में style.css और ऐसे ही हम स्क्रिप्ट भी लगाते हैं। सो स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट में src जो है script.js। सो इतना हो चुका है। अब हमें बॉडी में पहले एक div चाहिए जिसको हम क्लास देते हैं मीम जनरेटर। सो .meme जनरेटर। सो हमारे पास ये डिप बन चुका है। सो इस डिप के अंदर हमें एक बटन चाहिए और उस बटन को हम क्लास दे देंगे जनरेट मीम बटन। सो बटन और डॉट जनरेट मीम बटन। सो हमारे पास ये बटन बन चुका है। सो इसके अंदर हम ले लेते हैं जनरेट मीम। अब ऐसे ही हमें एक s2 चाहिए जहाँ पे हमारी मीम का टाइटल होगा। सो s2 डॉट इसको क्लास देते हैं मीम टाइटल। सो इसके अंदर लिख देते हैं लोडिंग। और हमें एक इमेज चाहिए जिसमें हमारे मीम की इमेज शो होगी। सो img टैग लगाते हैं। और इसके बाद हमें लास्ट डिव चाहिए जिसमें हमारे ऑथर का नाम शो होगा। सो डिव डॉट मीम डैश ऑथर इसको क्लास देते हैं। सो हमारे पास इतना हो चुका है। सो अब इसको लाइव सर्वर पे चलाते हैं। सो स्टॉप करते हैं पहले और गो लाइव पे क्लिक करेंगे। सो हमारा 5500 पोर्ट नंबर पे चल चुका है। सो इसको चलाते हैं। सो ये चल चुका है। सो अभी हम इसकी CSS पे काम करते हैं। सो style.css में चलते हैं और पहले हम .meme जनरेटर क्लास में टेक्स्ट लाइन सेंटर लगाते हैं। और इसके बाद इमेज टैग को हाइड दे देते हैं। इमेज में जो इमेज आएगी उसको हाइड दे देते हैं। डॉट मीम जनरेटर img और इसके अंदर हाइट 438 पिक्सल और ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देते हैं। अब इसके बाद हमें बटन पे स्टाइल्स लगाने हैं। सो डॉट मीम जनरेटर एंड डॉट जनरेट डैश मीम डैश btn। अब इसके अंदर एक बार देख लेते हैं क्लास को।
जनरेट मीम BTN, और यहाँ पे भी जनरेट मीम BTN। अब इसके अंदर CSS देते हैं, पहले पैडिंग देते हैं, पैडिंग 8 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। अब इसके बाद बॉर्डर नन, एंड इसके बाद बॉर्डर लेफ्ट देते हैं, बॉर्डर लेफ्ट 4 पिक्सल, सॉलिड एंड कलर दिस वन। ऐसे ही हम बॉर्डर राइट दे देंगे, बॉर्डर राइट 4 पिक्सल, सॉलिड कलर दिस वन। अब इसके बाद हम बॉक्स शेडो देते हैं, बॉक्स शेडो इंसेट 0 पिक्सल, -3 पिक्सल, 7 पिक्सल, 0 पिक्सल एंड कलर दिस वन 29BBFF। सो इतना हो चुका है। अब इसके बाद हम मार्जिन देते हैं, इसे मार्जिन 24 पिक्सल एंड 0। इसके बाद फॉन्ट साइज देते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। इसके बाद कलर वाइट देते हैं, एंड इसके बाद बैकग्राउंड कलर भी दिस वन। और इसके बाद कर्सर पॉइंटर एंड ट्रांजिशन ऑल 400 ms एंड ईज। अब इसके बाद इस पे ओवर इफेक्ट लगाते हैं बटन पे, सो इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड ओवर। अब ओवर में हम इसकी पैडिंग बढ़ा देते हैं, सो पैडिंग 8 पिक्सल एंड 36 पिक्सल कर दें लेफ्ट राइट से। इसके बाद बॉर्डर लेफ्ट इसको बढ़ा देते हैं 8 पिक्सल, सॉलिड एंड कलर ये वाला। अब इसके बाद बॉर्डर राइट को भी सेम ही देना है, बॉर्डर राइट में 8 पिक्सल, सॉलिड एंड कलर दिस वन। और इसकी लेटर स्पेसिंग बढ़ाते हैं, लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल। इतना हो चुका है हमारे पास। अब हमारे पास ऑथर वाला भी है, सो उसको भी देते हैं डॉट मीम जनरेटर डॉट मीम ऑथर। इसको हम मार्जिन देते हैं 8 पिक्सल। अब हम आउटपुट देखते हैं इसका, सो हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है, और बटन भी हमारा होवर करने पे एनिमेट हो रहा है। सो इतना हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी जावास्क्रिप्ट पे। सो इसका कोड लिखने से पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन सी API यूज़ करेंगे। सो दिस मीम API हम यूज़ करेंगे, और इसमें हमारे पास ये वाला API लिंक है, तो अगर हम इस API लिंक पे जाएं तो हमें एक रैंडम मीम जनरेट होके आ जाएगी। सो इसमें हमें रिस्पांस क्या क्या मिल रहा है, पोस्ट लिंक, सब रेडिट मिल रहा है, टाइटल मिल रहा है जो हम लगाएंगे, और इमेज का URL मिल रहा है, NF और ऑथर का नाम मिल रहा है। सो ऐसे ही हम ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमें कितने मीम्स चाहिए, और ऐसे ही हमें अगर सब रेडिट पता है तो हम सब रेडिट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हम इसको यूज़ करेंगे। सो अब स्क्रिप्ट में चलते हैं। सो स्क्रिप्ट में पहले हम क्यूरी सेलेक्टेड से अपने डॉक्यूमेंट से एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। सो पहले हम बटन सेलेक्ट कर लेते हैं, सो कॉन्स्ट जनरेट मीम बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और इसके अंदर हम डाल देंगे
डॉट मीम जनरेटर एंड डॉट जनरेट मीम btn। सो यहाँ पे हमने बटन सेलेक्ट कर लिया और ऐसे ही हम इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, टाइटल को सेलेक्ट कर लेंगे और ऑथर को सेलेक्ट कर लेंगे। सो कॉन्स्ट मीम इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और इसके अंदर डॉट मीम जनरेटर img टैग जो भी हमारा यहाँ पर है। अब वैसे ही हम टाइटल भी सिलेक्ट करते हैं। सो कॉस्ट मीम टाइटल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट मीम जनरेटर और इसके अंदर हमारा है वो डॉट मी टाइटल क्लास के नाम से ना हो चुका है। अब हम मीम ऑथर को सिलेक्ट करते हैं। कॉन्स्ट मीम ऑथर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर इसके अंदर डॉट मीम जनरेटर डॉट मी ऑथर। सो इतना हो चुका है। अब इसके बाद मैं अपने जनरेट मीम बटन पे एक एडिमेंट लिस्ट लगाता हूँ जो कि क्लिक होगा और उसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे जनरेट मीम। सो लिखते हैं अब जनरेट मीम बटन डॉट एडिमेंट लिस्नर और इसमें हम एक क्लिक के इवेंट लगाते हैं और जनरेट मीम एक फंक्शन को कॉल करेंगे हम इसमें। सो यहाँ पे जनरेट मीम बनाते हैं फंक्शन जनरेट मीम इसके अंदर हम फैच यूज़ करेंगे। सो फैच के अंदर हम लिंक डाल देंगे जो हमने कॉपी किया था जो कि हमने यहाँ से कॉपी किया था। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब हम इसके बाद लगाएंगे डॉट देन और इस डॉट के देन के अंदर रिस्पांस और उस रिस्पांस को हम कन्वर्ट करेंगे जैसे में। सो रिस्पांस डॉट जेसन उसके बाद एक और डॉट देन और इस डॉट देन में हम डाटा पास करेंगे और यहाँ पे हम एक और फंक्शन कॉल करेंगे अपडेट डिटेल्स जिसमें हम सारी डिटेल्स को अपडेट करेंगे। सो अपडेट डिटेल्स और इसके अंदर हम पास कर देंगे डाटा डॉट URL जो कि हमें जैसे हमें यहाँ पे मिल रहा है डाटा डॉट URL और इसका टाइटल मिल रहा है और इसके ऑथर का नाम मिल रहा है। सो हम वो सब यहाँ पे पास कर देंगे इस फंक्शन में डाटा डॉट टाइटल डाटा डॉट ऑथर। सो ये सब हमने पास कर दिया। अब हम अपडेट डिटेल्स फंक्शन आते हैं। सो कॉन्स्ट अपडेट डिटेल्स इज इक्वल टू और यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है URL टाइटल एंड ऑथर और इस एरो फंक्शन के अंदर हम सब कुछ अपडेट करना है। सो मीम इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट जो हमारा
src है, उसके अंदर हम url डाल देंगे। सो ये हो गया है। अब वैसे ही हम मीम टाइटल को भी अपडेट कर देंगे, .innerhtml is equal to title। ऐसे ही हम ऑथर को भी सेट कर देंगे, मीम ऑथर .innerhtml is equal to meme by author। सो ये भी हमारा हो चुका है। सो इसको एक बार देख लेते हैं आउटपुट में। सो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है मीम, हमारे पास आ रही है मीम की इमेज, मीम का ऑथर और मीम का टाइटल। सो इतना हमारा हो चुका है। बट जब मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो हमारे पास नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक बार जनरेट मीम फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर दूँगा। सो अब देखते हैं हमारे पास। सो अब मेरा पेज जब भी लोड होगा तो पहले एक रैंडम मीम आएगी, उसके बाद मैं क्लिक करूँगा तो एक और मीम आएगी, मीम्स चेंज हो रही हैं। तो हमारा ये प्रोजेक्ट बन चुका है और इसका गिटहब रेपो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।